इंटेल का एग्रीस्टार रोटावेटर इकलौता ऐसा रोटावेटर है जिसने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक धूम मचा रखा। फिर चाहे बात हो पानी से भरे तालों की, या फिर बात हो रेगिस्तान की, या फिर हो कड़क काली मिट्टी, या हो पथरीली भूमि की, हर प्रकार के खेतों में दे गहरी जुताई और मिट्टी को बनाए बारीक, भुरभुरी एवं अधिक उपजाऊ। कम समय में करे ज़्यादा जुताई, दे ज़्यादा बचत और ज़्यादा कमाई, मजबूती दे विशाल, चले सालों साल। ऐसी ही खूबियों के कारण हर किसान की पहली पसंद बन चुका है आयशर एग्रीस्टार रोटावेटर। ये लोहा नहीं, स्टील है। आयशर 557 ఇది టైరు ఆఫీల్స్ లేకుండా 48 రోడ్ బ్లేడ్ల రోటివేటర్తోనే దమ్ము కొడుతా ఉంది. దమ్మున్న బండి ఐచర్ 557. దీంట్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే రోటివేటర్ బాగా స్పీడ్ ఉంటుందండి. పీటు స్పీడ్ కాబట్టి దానికి దిగబడకుండా స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతుంది బండి. పీటు స్పీడ్ ఎక్కువ. नाम का रोटावेटर है जो बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छी मिट्टी खुदाई भी करता है और उसका माइलेज जो है 4 लीटर प्रति घंटा या डीजल उठाता है। उसकी जुताई बहुत अच्छी तरह से होती है, जो जुताई देकर किसान भाई अत्यधिक खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं। मैं एग्रीस्टार रोटावेटर की जितनी भी तारीफ करूँ उतनी भी कम है और ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हुआ है। मैंने इससे अत्यधिक धन भी कमाया है और इसकी जुताई इतनी अच्छी है जिससे किसान भाई देख करके तुरंत एग्रीस्टार रोटावेटर की जुताई करवाना ही पसंद करते हैं। हमारे यहाँ ये आयशर 3 साल से है एग्रीस्टार, ये बहुत अच्छा चलता है। इसमें जुताई बहुत बढ़िया होती है और डीजल की खपत बहुत कम है। 4 लीटर से 4.25 लीटर जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और कंपनी के जो रोटावेटर हैं या ट्रैक्टर है वो इसके बराबर नहीं है। इससे पहले मैं इस पर रोटावेटर शक्तिमान का चलाता था, उससे डीजल का माइलेज कुछ ज़्यादा दे रहा था। आज मैंने जो जब ये चलाया है 50 घंटे से, डीजल कुछ कम ही खा रहा है ये गाड़ी। मैंने इसे देखा है, इसके ब्लेड वगैरह बहुत अच्छे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी लोग आयशर कंपनी का आयशर एग्री स्टारी का रोटावेटर लें, इससे अच्छा और